हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे कफ बाजू के डिजाइन। ये सर्दियों में चलने वाली ट्रेंडिंग वीडियो बना रही हूँ, स्लीव डिजाइन, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा चैनल पे बने रहिए। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ, हाफ मीटर से भी कम कपड़े में स्लीव सिखाऊंगी। ये कफ बाजू है बटम वाला, तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया है चार फोल्ड में। तो मैं यहाँ पे लेंथ तैयार करूँगी 19 इंच का, तो एक प्लस करके 20 करूँगी, 20 में से फिर 2.5 माइनस करके मैं 17.5 इंच पे लंबाई पहले नॉर्मल स्लीव की तरह कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं बिछा ली हूँ और फीता को सीधा रख ली हूँ, 17.5 इंच पे सीधा एक निशान दे देना है। तो यहाँ से मैं सीधा निशान एक समान दे दी हूँ, बस और कुछ नहीं करना है, यहाँ से सीधा निशान बना लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये निशान मैं दे दी हूँ, ये है मोहरी, मोहरी की तरफ मुझे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इस तरह से ही जितना चौला है इसी को देना है। ये 9.5 इंच का चौला ही है, बस ये गेदर्स बनेंगे मोहरी की तरफ। और इधर में हम आर्मोल की गुलाई कटिंग करेंगे, 3 इंच पे डिप देंगे। तो जैसे स्लीव में आप देते हैं आर्मोल की सेप, उसे बिल्कुल दे देना है आपको इस तरह से। तो मैं यहाँ पर सेप लगा दी हूँ और ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा दूँगी किनारी से। तो चलिए यहाँ पे मैं कटिंग कर लेती हूँ, तो ये स्लिप कटिंग कर दी हूँ। और जो भी साइड से एक्स्ट्रा दिख रहा है तिरछा कपड़ा, उसको काट के हटा देना है। तो यहाँ से कट के निकाल दी हूँ, उसके बाद ये पल्ला को इस तरह से खोल के बिछा लेना है, फिर ये दोनों पल्ला बंद पल्ला को खोल देना है। तो इस तरह से मैं खोल के रेडी कर दी हूँ, तो ये स्लिप कटिंग हो गई नॉर्मल। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लंबाई में कम या ज़्यादा रख सकते हैं सेम फार्मूला से। उसके बाद में यहाँ पे मैं 9.5 इंच का ये कफ बाजू बनाऊंगी, तो उसके लिए 9.5 में से एक प्लस की हूँ, यानी 5.5 इंच का यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। और कपड़े की चौड़ाई मैं रखी हूँ 5.5 इंच, इसलिए कि मुझे 2.5 इंच का बकरम इसमें अटैच करना है। तो यहाँ भी मैं खोल के सीधा कर लेती हूँ, दो हाथों की कफ बाजू एक साथ में कटिंग की हूँ, ये देख सकते हैं। इस तरह से फोल्ड होने के बाद ये डबल हो जाएगा, 2.5 इंच का आ जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर बकरम रख के चिपका लेंगे। तो यहाँ पे मैं साइड अभी रखती हूँ फिलहाल, बकरम बाद में दिखा दूँगी, उसके बाद में आपको बता दूँगी। ये रेडी करूँगी 9.5 इंच यानी 4.5 इंच डबल में रखी हूँ, इस तरीके से आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद में 1.5 इंच की पट्टी मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ इसकी बटम की लूपी बनाने के लिए। तो इस तरह से आप बड़ा एक पट्टी कटिंग कर सकते हैं या छोटा छोटा, तो मुझे 8 पट्टी रेडी करना है। तो इस तरीके से मैं स्लीव की सारे कटिंग कर ली हूँ, सिर्फ बुकरम को छोड़ के। तो चिपकाने वाली बुकरम जो होती है पेस्टिंग पेपर, उससे मैं चिपका लूँगी। तो यहाँ पे मैं सब रेडी करके रख ली हूँ, तो चलिए यहाँ से अब इसको शुरू करते हैं। तो कैसे आप शुरू करें इसको स्लीव बनाने की मैं बताती हूँ। तो स्लीव कोई एक पार्ट ले लीजिए और इस तरह से साइड में चुनन छोटे छोटे आपको बना लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो मशीन पे आपको मैं समझा देती हूँ कैसे चुनन बनाना है आपको। तो चलिए मशीन पे हम लोग रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मशीन पे आ गई हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं छोटे छोटे गेदर्स दे रही हूँ। तो जितना हाथ में आपका कपड़ा हो, मतलब स्लीव में कपड़ा, वही हिसाब से आपको बनाना है। तो यहाँ पर मुझे 9.5 इंच का कप बनाना है, इसलिए 9.5 इंच पर मैं रेडी कर ली हूँ। तो दोनों स्लीव इस तरह से रेडी करने के बाद साइड की किनारी जो होती है 2 इंच से 2.5 इंच आप फोल्ड कर सकते हैं लंबाई में। और चौड़ाई लेना है सिर्फ 1/2 इंच, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो मैं 1/2 इंच से भी कम यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। तो यह देख लीजिए कितनी कपड़े कम मैं लेके फोल्ड कर रही हूँ डबल। इस तरह से डबल फोल्ड करके 2 इंच पर सिलाई निकाल ली हूँ। तो इस तरह से दोनों साइड में, दोनों बाजू में इसी तरह से, इसी तरीके से आपको रेडी पहले कर लेना है। तो यहाँ देख लीजिए ये पट्टी पे हम बुकरम कैसे रखेंगे। तो इस तरह से खोल लेना है, खोल के बिछा लेना है, फिर इसके ऊपर ये 2.5 इंच का बुकरम को इस तरह से किनारी छोड़ते हुए, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक को चिपका लेना आयरन से। तो चलिए दिखा देती हूँ कैसे चिपका के मैं रेडी की हूँ। तो यहाँ पे आयरन से मैं चिपका ली हूँ, इसलिए कि ये अपनी जगह से घसके ना। इसी तरीके से आप कप बाजू बनाइए। तो यहाँ पे मैं चिपका ली हूँ, अब इसको रेडी करने के लिए लूपी को पहले तैयार करेंगे। तो लूपी तैयार करने के लिए इस तरह से डबल फोल्ड करके मुझे सारे में सिलाई पहले लगा लेना है, उसके बाद में हम आपके लिए रेडी करेंगे लूपी। तो यहाँ पे देखिए मैं धागे की मदद से पलट के सीधा कर ली हूँ और 2 इंच की दूरी में पट्टी कटिंग कर ली हूँ, यानी ये
डोरी कटिंग कर ली हूँ। तो इस तरह से सारे को तैयार मैं करके इकट्ठा कर लूँगी, यानी एक हाथ में चार और एक हाथ में चार, इस तरह से चार चार करके मैं आठ रेडी की हूँ। यहाँ पे एकदम टाइट वाली फीती जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाई हूँ। और ये कप बाजू को इस तरह से सीधा मैं हाफ इंच छोड़ते हुए दोनों साइड से निशान में लगा रही हूँ, बिल्कुल बुकरम के किनारे में इस तरह से निशान बना लेना है। और इसी निशान के ऊपर हमको सिलाई लगाना है, चार निशान जो देख रहे हैं अंदर में, ये वाला लुप्पी को इस तरह से छोड़ते हुए मार्जिन को आप इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो ध्यान रहे, अगर आपको ज़्यादा चौली चाहिए दूर दूर पे लगा सकते हैं, नहीं तो आपको चिपका चिपका के एक दूसरे के साथ चार ठो लगा देना है। तो मैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ चिपका के लगा रही हूँ लुप्पी। तो यहाँ पे लुप्पी को अटैच करने के बाद में फिर से एक बार और सिलाई डबल कर लेना है कि जैसे सिलाई पक्की हो जाए। तो यहाँ पर सिलाई पक्की मैं कर ली हूँ। उसके बाद इसको अंदर में कपड़ा इस तरह से बिछा के आपको सीधा कर लेना है। उसके ऊपर में फिर से एक बार और सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। तो यहाँ से सिलाई लगाते हुए सामने की तरफ आना है, इस तरह से बंद कर लेना है और दूसरे साइड सेम सिलाई लगाना है। उधर में कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे सिलाई लगाते हैं बिल्कुल बुकरम के किनारे ही लगाना है। तो यहाँ से मैं सिलाई लगा के इसको भी किनारी को बंद कर लेती हूँ। तो दोनों साइड का किनारी मैं बंद कर दी हूँ और इसको पलट के मैं सीधा करने से पहले इस सब एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके हटा देती हूँ। तो चलिए यहाँ से ये वाला पट्टी को भी अंदर चिपका देंगे जो ओपन साइड है, उसके बाद पलट देंगे। उसके बाद ये देखिए पलट के इसको शेप में ले आएंगे। तो किनारी को हमेशा आप चाहे तो कैंची की नोक की मदद से आप नोक को शेप दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो यहाँ पे कैंची की नोक की मदद से मैं शेप दे दी हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ कप बाजू यहाँ पे दिख रहा है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद नज़र आएगा। उसके बाद में ये गेदर्स वाला जो बाजू देख रहे हैं इसको इस तरह से एक पार्ट में पहले जॉइंट करेंगे, नीचे वाला पार्ट में इस तरह से उल्टा रख के उसके ऊपर में इस तरह से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मिलाते हुए आपको पिन सिक्योर कर लेना है। उसके बाद मशीन के ऊपर में आपको बस मिलाते हुए सिलाई करते जाना है। अगर बिगनर्स है तो मैं तो यहाँ डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों के किनारे यहाँ पे एक समान मिलता जुलता होना चाहिए, एक बड़ा छोटा नहीं, नहीं तो आपका बाहर की तरफ फेंक देगा। इसलिए एक समान मैं यहाँ पे लगा दी। अगर कपड़ा आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाए तो अंदर चुनन दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं मिला के दे दी हूँ। फिर से एक बार शेप देते हुए उंगली की मदद से मैं इसको सीधा कर ली हूँ और सीधा करके इसके अंदर सारे झोल झक्कर जितने हैं धागे वगैरह सब अंदर डाल दी हूँ। उसके बाद में ये वाला समोसा लेस जो मैं पोंछे में डिजाइन की थी अफगानी सलवार की, उसी से मैच करते हुए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ समोसा लेस। हाफ अंदर लेस लेकर रख दी हूँ, उसके बाद में हाफ बाहर की तरफ ये नोखीला वाला सामने की तरफ इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, एक छोर से दूसरे छोर तक लगाते जाना है। जब किनारे में आए तो लेस को अंदर फोल्ड करते हुए और कपड़े के मिलाते हुए अंदर की तरफ आपको ढक देना है। उसके बाद में लेस को इस तरह से अटैच करके फिर नेडल घुमा देना है। नेडल घुमा के फिर से एक बार और एक सूत की दूरी पे यहाँ पे चारों तरफ मोहरी पे सिलाई लगाना है, जैसे फिनिशिंग देखने में अच्छा लगे। तो मोहरी की सिलाई यहाँ पे आते हुए यहाँ भी इस सिलाई लगाते हुए किनारी तक आना है। उसके बाद में यहाँ सिलाई को पक्का कर लेना है। ध्यान रहे, यहाँ पे सिलाई अगर पक्का नहीं करते हैं तो खुलने का डर रहता है। इस तरह सिलाई कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पे माप करेंगे, तो ये 9.5 चाहिए तो 9.5 है। उसके बाद ऊपर से हमको लेना है यहाँ से 3.5 इंच पे ओपन रखना है। तो 3.5 इंच पे यहाँ छोड़ते हुए मैं सिलाई फिटिंग लगा रही हूँ आर्म होल की तरफ यहाँ से फिटिंग। तो आप चाहे तो जितना चाहे उतना ओपन रख सकते हैं। तो यहाँ पे फिटिंग लगा दी हूँ। अब यहाँ पे फिटिंग लगाने के बाद मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सीधा होने के बाद कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं निशान बना दूँ एक दूसरे के अंदर में। यहाँ पे बटन अटैच करने के लिए मैं आपको सही तरीका बताती हूँ। इसी तरीके से आप निशान बनाएं तो आपका परफेक्ट बटन लगेगा इसी निशान के ऊपर। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दी हूँ। तो देखिए ये सर्दियों वाली स्लीव डिजाइन कैसा लग रहा है आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी सिंपल कपड़े से डिजाइनर बाजू मैं बनाई हूँ। तो ये सिंपल बटन से मैं फैब्रिक को इसको इसके अंदर अटैच करके और इसको रोल कर दूँगी। रोल करके इसको
बटन को तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ये पसंद नहीं है फैब्रिक का तो रेडीमेड मार्केट से ला के लगा सकते हैं, तो उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये खर्चा आएगा। ये फ्री में हो रहा है, घर में जो ब्लाउज एक्स्ट्रा होता है उससे आप निकाल के बना सकते हैं और इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये एक डब्बी ले आती हूँ सिंपल बटन की, 40 रुपये की, काफ़ी दिन चलता है। तो इसी तरीके से मैं बटन सारे कुर्ती के डिजाइनर बनाती हूँ। उसके बाद देखिए ये बाजू कैसे मैं लगा रही हूँ, इसके अंदर बटन और इसके लुप्पी के अंदर। तो यहाँ पे देख लीजिए कफ बाजू की डिजाइन मैं बना दी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला कफ डिजाइन बाजू खूब पसंद आया होगा। तो इस सर्दियों में सभी लड़कियाँ बहुत पसंद करती है कुर्ती में, ब्लाउज में, सूट में और लहंगे में। तो आप भी अपने फैमिली फ्रेंड में बना के आप पहना सकती हैं, चाहे अपना कस्टमर को दे सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपका काम का आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फॉलोअप ज़रूर कीजिएगा। कहीं भी डाउट होने से आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। खुदा खुदा।